हाउ डज चेंज रीच द होल वर्ल्ड होता ही ऐसे एक व्यक्ति कुछ करेगा उसको देख एक और करेगा फिर एक और करेगा एंड वेरी सुन पूरा समाज ऐसा करेगा अब इसका ऑपोजिट करते हैं हम फिर से वापस अपनी ओरिजिनलिटी पे जाते हैं हमें देख एक और जाएगा और एक और जाएगा और एक और जाएगा possible now, है ये? उस साइड पॉसिबल था तो ये साइड क्यों पॉसिबल नहीं है अच्छे की तरफ जल्दी नहीं आते लोग जाते हैं एक बात बताइए क्योंकि कोई मेरे से जब बात नहीं करे अच्छी तरह से तो मैं दूसरे दिन से अच्छी तरह बात नहीं करता हूँ बड़ा इजी है कोई बहुत अच्छा हो तो मैं वैसा अच्छापन लेके लेता हूँ थोड़ा सा अच्छा हो जाता है ना हो गया कमाल क्या हो गई वंडरफुल यही तो करना है आपने कहा अगर कोई मेरे से बहुत अच्छे से करे तो मैं थोड़ा सा अच्छा हो जाता हूँ अच्छा हो, हो गया वही तो करना है एक पॉइंट ये अच्छा लगा और दूसरा ये लगा जैसे मुझे अभी चलते चलते बात करते करते याद आया कि मैंने किसी को ऐसे कराया तो इतना सा कर दिया तो वो तक मुझे हर्ट होता था मैंने बोला अच्छा नेक्स्ट हम इतना कर रहे हैं और ये ऐसे करते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो मिलते है देखते हैं, मैं वेट करता रहता कब वो करेंगे और मैं ऐसे करूं hmm. तो इमेजिन करो कितना अपने आपका टाइम वेस्ट एनर्जी वेस्ट और एनर्जी वेस्ट अपनी पावर वेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी ओरिजिनलिटी से हम खुद ही खुद को दूर करते गए क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव था ना एक्सेप्टेंस टॉलरेंस मीन मैन बदला लो मारो उसको जवाब दो खड़े रहो फाइट सोशल कंडीशनिंग हमें करवाती है ना एंड ये एक इम्पोर्टेंट और चीज जब हम एक संस्कार में अपनी ओरिजिनलिटी से शिफ्ट करेंगे तो ओवरऑल आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी से शिफ्ट हो गई तो बाकी छह गुण भी हम शिफ्ट हो गए मतलब नहीं समझा सेवन ओरिजिनल क्वालिटीज है ना आत्मा के लव पीस लव पीस हैप्पीनेस पावर प्योरिटी विजडम ये आत्मा की सेवन क्वालिटीज है ना अगर हमने किसी एक को कॉपी किया सपोज hmm. किसी ने रूडली बात की तो हमने गुस्सा किया एक hmm. Hmm. एक कॉपी किया मतलब हम पीस की क्वालिटी से हटे लेकिन आत्मा ही अपनी ओरिजिनलिटी से हटी तो सिर्फ पीस की क्वालिटी में नहीं वो हटेगी उसकी थॉट्स गलत चली अंदर तो वो प्योरिटी की क्वालिटी से हटी उसके उसके प्रति सामने वाले के प्रति गलत थॉट क्रिएट की वो अपनी लव की क्वालिटी से हटी वो आत्मा दूसरी आत्मा की वजह से डिस्टर्ब हुई तो अपनी पावर की क्वालिटी से हटी और ये सब चीजें कर रही है तो अपनी विजडम की क्वालिटी से तो हट ही है वो पूरी तरह से डू यू नो एनी वन ऑन अर्थ जो कि डिस्टर्ब uh, नहीं होता हर्ट नहीं होता किसी बात पे? आप मैं? Hurt होता हूं? हर बात में नहीं होते Simple. हर एक हर एक के साथ नहीं होता हर, हर बात में नहीं होता हर बार हर बार हर एक के साथ नहीं होते इसका मतलब कुछ बार कुछ लोगों के साथ हम स्टेबल रहते हैं इसका मतलब स्टेबिलिटी हमारा संस्कार है नहीं आई थिंक सो कभी मैं। भी किसी के भी साथ एक भी बार स्टेबल नहीं रहते रहता हूँ जहाँ नहीं बोल पाता जैसे पोजीशन में कोई बड़ा हो उम्र में कोई बड़ा चलो ठीक है उसी भी रीजन से रहे तो ना जिससे बहुत ज्यादा प्यार हो तो बस हो गया जिससे बहुत ज्यादा प्यार हो मीन्स ऑल दैट आई नीड इज द क्वालिटी ऑफ लव पर रहते हैं ना नहीं उल्टा भी तो होता लोग बोलते ना जिसे प्यार करते हैं उससे ही हर्ट होते हैं दूसरा कोई भी, भी बोले आई डोंट केयर परिस्थिति में किसी के साथ स्टेबल रहते हैं या नहीं रहते एक आध बार रहा पूरे जीवन में अभी तक एक आध स्टेबल रहे होंगे नहीं सारा दिन में मैं देखती हूँ इतनी बार हाँ वैसे देखो एज ए प्रोफेशनल मैंने कम से कम तीन सौ डायरेक्टर के साथ काम किया होगा कई बार कितने डायरेक्टर क्या क्या बोलते है क्या कहते मैं हाँ जी ये सर करके निकल जाता था किया आज सिर्फ सारा दिन में चेक करना कितनी सारी बातों को हम सहन कर लेते हैं कितनी सारी बातों में हम चुप हो जाते हैं कितनी सारी बातों में हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं उन्होंने ऐसा कह दिया हम सब करते हैं आप सारा दिन में, में तो कितनी तो बार थोड़े दिन, दिन पहले किसी ने मेरी ब्रांड न्यू शर्ट एक लड़के ने वॉशिंग मशीन में उसको दिया था मैंने धो के ला वो पूरा बुल साब पड़ गई पूरी ठीक है कोई बात नहीं तो वो रोने लगे आप मुझे गुस्सा क्यों नहीं कर रहे तो किया या एक अब ये तो सिर्फ सिचुएशनल ऐसी कोई बात है ना कभी कोई आपसे गलत तरह से भी बात करेगा ना सारा दिन में तो आप देखना आप छोड़ देंगे उस पर बड़ी को को बात से गुस्सा नहीं आता है मुझे छोटी बात छोटी छोटी मीन जी छोटे छोटे क्वालिटी ऑफ थिंकिंग से आता है जो इंसान माइंड गेम करना थिंकिंग किसकी सामने बंदे वाले की हाँ। तो हम अपनी क्वालिटी तो आज तो। चूज करेंगे, आज करेंगे कि सामने वाले की अगर मुझे लगता है कि वो थिंकिंग छोटी है तो मैं अपनी थिंकिंग को बहुत ऊंचा बना लेता मैं क्यों अपनी थिंकिंग को छोटा कर रहा हूँ ये छोटी थिंकिंग नहीं है अगर अगर मैं विश नहीं करूँ आपको Uh. तो मेरी थिंकिंग छोटी आप भी ऊपर से विश नहीं करे तो आपकी भी थिंकिंग छोटी तो व्हाट इज द डिफरेंस डिफरेंस क्या राफर? अगर तो मतलब आप करते जाओ करते 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 जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ जाओ करते जाओ जो हमारे लिए कंफर्टेबल है वो करते जाओ वो हम आगे देखेंगे कि हम सप्रेस नहीं करेंगे हम सफोकेट नहीं होंगे हम ये अंदर नहीं घुट जाएंगे दैट विल सी वट वी हैव टू डू बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ये हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं चाहो तो क्या नहीं कर सकते हैं चाहो तो ब्यूटिफुल तो मतलब हम कर सकते हैं ना? चाहना ही नहीं है ना बदला लेने की भावना रहती है ना ठीक है, इसने सही सही है। अब हमने अंडरस्टैंड किया उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरा हो रहा है मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल क्यों हम आज कह रहे हैं खुशी चाहिए शांति चाहिए प्यार चाहिए सम्मान चाहिए ये वाला तरीका यूज करते करते ही तो खाली हुए ना अंदर मन बुद्धि को मुझको बचपन से ट्रेन किया गया कि एक मारे चार मारो डरना नहीं तो क्या करें तो आज फिर से ट्रेन करेंगे जब उस मन ने तब कहना माना था तो आज भी तो कहना मानेगा अभी तो गुरु पक्का हो गया ना आपकी भाषा में संस्कार पक्की हो गए हैबिट हो गई है तो हम नहीं बनाया था हम तो फिर से नया बना देंगे संस्कार बनाना बहुत इजी है मन को चेंज करना भी बहुत इजी है नहीं नहीं, no, नो बहुत इजी है प्रोवाइडेड आई वांट टू डू इट द मिनट आई वांट टू डू इट इट्स गोइंग टू बिगिन एंड इट्स ऑलरेडी बिगन फॉर यू यू नो दैट नहीं मेरा तो है लेकिन मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ मेरी पुरानी बातों का और थोड़ा सा उसका अभी उसका मतलब एक मिनट पुरानी बातों की अभी सिर्फ दो में है। हाँ जी। तो बाकी कहां गया? बाकी साफ होता गया तो जब इतना सारा साफ होता गया तो को जाने में कितना टाइम लगेगा मुझे इम्पोर्टेंट इज मैंने इतना सारा साफ किया तो ये भी तो साफ हो जाएगा मुझे ये डर है कि वो दुम के साथ वापस ना आ जाए ना पीछे हम अटेंशन रखते है ना हर रोज कॉन्शियस इसीलिए डेली स्टडी डेली मेडिटेशन एक टेबल है घर पे उसको रोज़ साफ करना है hmm. एक दिन हम घर में एंटर किए हमने देखा वो टेबल तो बहुत सालों से साफ ही नहीं हुई है hmm. तो उसके ऊपर धूल 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 इतनी लेयर्स बनी हुई थी ठीक hmm. है अब हम उस घर में रहने लगे hmm. तो ऑब्वियसली हम उस टेबल को रोज साफ़ करेंगे तो अब क्या होता है हम पहले दिन ही आके हमने बहुत सारी धूल की लेयर तो ऐसे ही उड़ा दी तो फर्स्ट वाइप में बहुत सारी धूल तो फर्स्ट वाइप में मिट जाती है hmm. फिर उसके नीचे रह जाते हैं छोटे 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 मार्क्स जो ऐसे फर्स्ट वाइप में नहीं मिटते जिनके ऊपर ना थोड़ा सा स्क्रब करना पड़ता है अच्छे से लेकिन साथ साथ ये इम्पोर्टेंट होता है कि रोज एक बार कपड़ा जरूर मारना है जिस टेबल पे रोज कपड़ा मारेंगे अब तो वो साफ ही रहेगी ना देर इज नो चांस कि वो इतनी सारी लेयर्स ऑफ धूल वापस आ जाएगी उसके ऊपर वो तो अब नहीं हो सकता बहुत मिनिमम आएगी और वो साफ करते वो तो रहेंगे तो निकल जाएगी।, जाएगी और धीरे-धीरे तो हमें अभ्यास हो जाएगा धूल आई साफ धूल आई साफ यू नो कुछ लोग देखो कितने क्लीन होते हैं हर थोड़ी देर के बाद आके साफ करते हैं ये नहीं करते कि दिन में एक ही बार साफ करेंगे रेस्टोरेंट्स में होता है होटल्स में हर थोड़ी देर बाद साफ हां तो एक 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 आदमी खाके उठा साफ दूसरा आदमी खाके उठा साफ बस सिंपल है एक को मिले उसके बाद साफ किसी ने कुछ कहा उसके बाद साफ

साफ करते जाओ करते अच्छा जाओ अच्छा देखो ये जो जो रेस्टोरेंट में बॉयज सर्व करते हैं वे, वेटर्स होते हैं लड़के होते हैं वो साफ करके चले डोंट इवन केयर वो खाया कौन आया था कब गया था अपना पैसा दे निकल भी गया उनका रोल है उसका रोल है, है सिर्फ साफ रखना मेरा रोल है सिर्फ अपने आप को साफ रखना कौन आया था क्यों उसने वो खाया था और क्यों उसने खाते खाते गिराया भी था ठीक से नहीं खा सकता था वो और आधा छोड़ के भी गया जूठा छोड़ा सोचो पैसा वेस्ट किया। इतना सब कहा इतना इतना हम तो यही कर रहे आज वो आया क्यों आके फिर ऐसे खाया क्यों फिर ऐसे बोला क्यों बट ये लड़का है? अगर डीप थिंकिंग करो जो साफ करता टेबल को कोई चैलेंज हो आधा छोड़े जूठा छोड़े ज्यादा मगाए का नहीं कर सकता उन लोगों के बारे में सोचने में क्योंकि उसको फिर से हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अब दूसरे लोगों के बारे में सोचने so में। हम एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकते दूसरे लोगों के बारे में सोचने में hmm. आप देखो आप इतने दिन से कह रहे थे फिर लेकिन उसने ऐसा बोला क्यों

लेकिन इसका मतलब क्या इसका मतलब कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा अच्छा फिर कितनी बार बोलेगा उन्होंने ऐसा बोला क्यों उन्होंने ऐसा किया क्यों ना ऑल दैट लिस्ट विल हैव टू गो एंड हैव टू बी वन लाइन मुझे क्या करना है इस पर आना ही होगा वो सारी बातें वेस्ट ऑफ जो आपने कहा ना जैसे वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी एंड वो कितनी सारा दिन है और हर एक के साथ है तो कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही होगी खाली एनर्जी वेस्ट थोड़ी होती है उसके साथ हर्ट होता है पेन होता है वही ना सोल तो, पावर वेस्ट हो रही है नो नो नॉट ओनली दैट उस हर्ट पेन में मैं दूसरों को भी उस तरह से बात भी तो कर देता हूँ क्योंकि सोल पावर वेस्ट हुई ना तो आगे कार्मिक अकाउंट भी खराब होता है ना आत्मा की शक्ति अगर चार लोगों के बारे में सोचने से डिप्लीट हुई तो बाकी चार लोगों के साथ भी वो आत्मा प्यार से कैसे बात करेंगे अगेन फाउंडेशन मंत्र क्या होगा सिचुएशंस एंड पीपल लोग और परिस्थितियाँ मेरे डेफिनेशन ऑफ सही के अनुसार नहीं होंगे बेस्ट सिस्टर ये तो बहुत आपका ऊंचा वाला डेफिनेशन है हाँ. बहुत simple line में एक इमेजिनेशन करता हूँ एक लड़का छोटे से शॉर्ट्स बनियान में यहाँ कपड़ा लटकाता आया टेबल साफ किया चला इज नॉट इंटरेस्टेड कौन खाया क्या नहीं खाया क्या 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 नहीं नहीं hmm. अपन तो साफ ही करते रहना है बेस्ट अब uh, साफ भी करते क्यों रहना पड़ रहा है क्योंकि बार बार गंदा हो रहा है जब अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी गंदा होना कम हो जाएगा hmm. जब ये अभी क्या हो रहा है एक्सपेक्टेशन है कि लोग ऐसा तो करना चाहिए ऐसा जब धीरे धीरे हमारी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट ही खत्म होने लगेगी क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी नहीं वो मेरे अनुसार चल सकते अगर मेरा ईगो हर्ट हो रहा है कि फलाने ने ऐसा नहीं किया ठीक है और मैं दुखी हो गया तो फिर मेरा ईगो यहाँ हर्ट होना चाहिए कि मैं हार गया हाँ बिल्कुल दूसरे मुझ पर हावी नहीं हो सकते एंड देर नॉट डूंगिबरेटली वो उनका संस्कार है वो हम आगे देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आज से हम दिन में हजार बार अपने आपको ये याद दिलाएंगे लोग और सिचुएशंस मेरे अनुसार नहीं हो सकते ये आज का मंत्र है ये आज का नहीं मंत्र है जीवन भर का। जीवन का मंत्र है लोग लोग और हमारे अनुसार नहीं हो सकते लोग एंड सिचुएशंस। सिचुएशंस आल्सो आर नॉट ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द वे वी वांट देम टू बी इवन द वेदर इज नॉट गोइंग टू बी द दई वॉन्ट इट टू बी शूटिंग में मैं चाहता हूँ शादी हो रही है हाँ, और तो ये बैंड बजा बजा रहे मुझे दस बार रुकना पड़ा लेकिन आप शूटिंग कर रहे हैं ना हाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ टॉलरेट लेकिन मैं यहाँ टॉलरेट कर रहा हूँ विदाउट गेटिंग एंग्री और दैट दैट इज़ इज़ ऑल, ऑल, एंड उसके पीछे भी, भी नहीं कि सकते उसको भी तो नहीं रोक सकता जो मुझे करते। जब हमें पता होता ना कि हम सामने वाले को रोक नहीं सकते hmm. अभी आपको पता है कि इस बैंड बाजे को आप रोक नहीं सकते इस ऑडियो डिस्टरबेंस को आप रोक नहीं सकते वो चल रही है और आप उसी के बीच रहकर अपना काम कर रहे हैं या तो मैं एक फिल्टर लगाने की कोशिश करूं और फिल्टर नहीं हुआ तो यहाँ से हटके मैं कहीं और जाके करके आऊं। या काम? मैं यहीं बैठकर अपने आप को कंसंट्रेट करके कर, कर लू जो, कर hmm. जो हम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं जस्ट लुक एट दिस सिंपल थिंग ओनली अब इसमें हम सारी चीज किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपने ऊपर आपने कहा या तो फिल्टर लगा लें या यहाँ से या आपने थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा हम अपना वॉल्यूम बढ़ा लें या हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएं या हम पूरी कंसंट्रेशन से करें हम उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे लेकिन हम ये सारी एनर्जी किस पर फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर लेकिन अगर हमारे अंदर एक थॉट अभी आ जाए कि हम इनको रोक सकते हैं तो हम ये सारी चीजें छोड़कर हम उनको रोकने की मेहनत करते जाएंगे जब तक हमें लगता है कि हम उनको रोक सकते हैं हम उसी के ऊपर वर्क करते हैं लेकिन ये एपिसोड चल रहा है ना जब ये चल रहा है उसके बावजूद चल रहा है जब जब ज्ञाप मिल रहा है हम कर रहे हैं यही जीवन हैं। है उसी के बावजूद हमें चलना रहा कर दिस इज ओनली पावर टू टॉलरेट एंड एडजस्ट लेकिन फोकस सारा एडजस्ट करके चलने पर क्यों है क्योंकि फर्म बिलीफ है उनको हम नहीं रोक सकते ये फर्म बिलीफ कितना इम्पोर्टेंट है आर यू गेटिंग हर्ट कि वहाँ वो आवाज क्यों हो रही है आर यू गेटिंग डिस्टर्ब इमोशनली कि वो लोग क्यों आवाज कर रहे है? ये अचानक नहीं हुआ हो ना। होना वेरी गुड यू एक्सपेक्टेड कि ये डिस्टर्बेंस होगा करेक्ट नाउ दैट मीन्स यू वर प्रिपेयर

आपने कहा कल से हम प्रिपेयर थे ये आवाज आने वाली है लेकिन हमें ये भी पता था कि इस आवाज के बीच रहकर ही हमें काम करना है तीसरा हम अभी उस आवाज के बीच बैठे हुए हैं hmm. आवाज भी चल रही है लेकिन हमारा फुल फोकस किस पर है हमें इसके अंदर संभाल के अपनी शूटिंग करनी है दिस इज जर्नी ऑफ लाइफ आज हम प्रिपेयर हो जाए कि हमारे आसपास लोग अपनी अपनी आवाजों के अनुसार चलेंगे अपने अपने संस्कार के अनुसार चलेंगे आई डू नॉट एक्सपेक्ट आई टू बी पॉसिबल कैसे इनकी यहाँ शादी हो रही है एंड आई वॉन्ट वेरी गुड इनके लोगों के अलग अलग संस्कार हैं, एंड आई वॉन्ट देम टू बी लाइक माई संस्कार शादी वाले तो फिर भी क्वाइट हो सकते हैं अगर हम उनको बोलेंगे ना तो वो चुप भी हो जाएंगे लेकिन आत्माएं अपनी संस्कार कैसे बदल देंगे आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि संस्कार बदलना आसान है हम जब अपना संस्कार बदलना चाहें तो वो आसान है दूसरे का है। दूसरे का संस्कार नहीं ना बदल सकते कितना देखो प्रिपेर्ड अगर हो जाए दिस इज ओनली ज्ञान ना ये ज्ञान है प्रेपरेशन आपको कल नॉलेज मिल गई थी कि ये होने वाला है माइंड को प्रिपेयर कर लिया था आज उसी के बीच बैठकर इतने प्यार से काम कर रहे हैं ये जीवन है ज्ञान मिल गया लोगों के संस्कार अलग अलग हैं लोग लंबी यात्रा पर वो संस्कार लेकर आए हैं हमारे कहने से वो उसको बदल नहीं सकते ज्ञान मिल गया ये कलयुग है हर आत्मा अंदर किसी न किसी कारण से दुखी परेशान अशांत है चाहे वो उसका इनफीरियोरिटी है किसी का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है किसी का ईगो है किसी की आज अगला इंसान आपकी बात सुन के मुझे थोड़ा सा ना अभी भी हो रही है कि अगला इंसान बेचारा क्या क्या, क्या चीजों से गुजरा होगा किन किन चीजों से और कितनी कम नॉलेज जो भी हो या क्या नहीं मिला होगा जिंदगी में क्योंकि ऐसा बन गया सीरियसली आई अभी जो बात कर रहा हूँ जो आपसे बात करते करते <laughs> उस व्यक्ति के बारे में भी आई कि उसके साथ क्या नहीं हुआ होगा जो और मतलब कितनी चाइल्ड लाइक चाइल्डिश बात है कि चलो लेट्स प्ले द गेम विद इट ऐसा खुला दिखता है कि आप गेम कर रहे हो लेकिन कितना उसके अंदर दर्द होगा कितनी मेच्योरिटी होगी कितनी lack ऑफ एजुकेशन और lack ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज होगी अब आप हर्ट तो होंगे उससे फिर अब नहीं होगा नहीं हो भी नहीं रहा हूँ अब तो मुझे एम्पति आ गई That's it. कितना इजी है कितना टाइम लगा काफी टाइम लगा कहाँ टाइम लगा आधे घंटे से मैं आपका दिमाग आधा घंटा तो जीवन बीत जाएगा समझने में ये सारी बातें नहीं बट आई एम फीलिंग लाइटर डू यू नो दैट बाय थिंकिंग टॉकिंग टू यू सी अगेन लेट्स गो बैक टू द सेम इंसिडेंट अगर हमें नॉलेज नहीं होती कि यहां एक शादी होने वाली है हम प्रिपेयर्ड नहीं होते कि यहां आवाज होने वाली है तो हम क्या करते हम आते अर्ली मॉर्निंग यहां पूरा सेटअप करते और फिर सडनली ये आवाजें आती हैं तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता डिस्टर्बेंस इरिटेशन। हमने इतनी मेहनत की हमने सब सेट किया अब ये आवाज़ कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट रिएक्शन उसके बाद होता किसी तरह हम कोशिश करके उनको रोकते हैं हमारे कहने से वो रुकते ना हम जितना उनको रोकने की कोशिश करते ना वो शायद अपने बैंड बाजे का वॉल्यूम और भी ज़्यादा बढ़ा देते एंड वेरी सोन वो और हम एक कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे होते बट हर इज एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड वहाँ थोड़ी मालूम था कि घर में ऐसी औलाद पैदा होगी किसी को आपको ये नहीं मालूम था, था कि आपके घर में सारे जो संस्कार आएंगे वो अलग अलग होंगे नहीं मालूम था आज को? अभी मालूम पड़ा कि दुनिया में लोग के संस्कार ऐसे होते हैं अलग अलग होते हैं मैं तो सोचा था कि बेटा बेटा होगा बेटी बेटी होगी दामाद दामाद होगा बहू बहू होगी रिश्तेदार ऐसे होंगे ऐसे होना चाहिए मैंने पिक्चर बना के बैठा हुआ था कि वो कैसे होंगे वो तो जो पिक्चरों में दिखाते नहीं अच्छा <laughs> राम है? सीता लक्ष्मण आज्ञाकारी ये सत्योग सत्योग मैं तो कुछ को और बना के बैठा था lack of knowledge ना lack अच्छा, of lack like of my knowledge lack of our knowledge दिस इज lack of our knowledge तो अब हम उसको स्टेप वाइज ले हैं शादी वाला एक्सपेक्टेड है उसको करना आसान है ये तो अनएक्सपेक्टेड बातें कर रहा था ना मैं आपसे ये भी एक्सपेक्टेड है अभी तक हमारी एक्सपेक्टेशन की लिस्ट डिफरेंट कई मदर्स का ये प्रॉब्लम है बच्चा बड़ा हुआ बड़े होने तक तो खेल रहा है मा 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 माँ कर रहा है शादी होने के बाद वाइफ 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 कर रहा है गुड मॉर्निंग नहीं नमस्ते नहीं कुछ नहीं वाइफ है ही नहीं जिंदा ये भूल गया तो वो क्या एक्सपेक्टेड होता है उस औरत को अब मदर इज एक्सपेक्टेड की आज शादी मतलब इतने चाव से बहू को आशीर्वाद दे के अपने जेवर दे के अपना घर चार दे के जिंदगी देके उसको शादी कराती है और यू मीन टू सी एक्सपेक्टिंग दिस आफ्टर दैट शी ओनली हैज बी प्रिपेयर से तो निगेटिव सोच रहे हो हम नेगेटिव नहीं सोच रहे हम प्रिपेयर्ड है के हर आत्मा उसके संस्कार और कार्मिक अकाउंट से चलेगी नो बडीज प्रिपेयर सिस्टम नहीं तो सारी बताए अच्छा नहीं होती है तो फिर सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा होगा मैं बूढ़ी हो जाऊंगी कमाएगा बच्चे लाके गोद में रखेगा खाना लाके देगा मेरी बात सुनेगा बहू मेरे पाकि पाँव छुएगी ऐसा सब प्रेपरेशन होता है उनका तो प्रेपरेशन ही अगर सही नहीं हुआ तो नहीं प्रेपरेशन सही यहाँ पर नहीं है नहीं है लोग बदल गए हैं ऐसा नहीं लोग बदल गए हैं मतलब क्या की डे डे लोगों की पावर क्या होती जा रही है कम होती जा रही है ना संस्कार कम होने में और कॉमन uh, थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा बड़ों का रिस्पेक्ट करना जिस चीज को हम कॉमन कहते हैं आपके लिए ये कुर्सी उठाना ऑर्डिनरी बात है आप एक हाथ से उठा लेते हैं तो आप कहते कॉमन बात है ना ये कुर्सी उठाना मेरी तो ताकत खत्म हो चुकी है तो जो बात आपके लिए कॉमन है Respect does not take energy, sister. It does not. Does not. Respecting people takes a lot of self-respect. What? Respecting other people takes a lot of self-respect. आपने तो bold कर दिया मुझे. ये क्यों जब गेंद डाल दिया? आपने। जो आत्मा. आपने कितनी बार कहा है? जो आत्मा खुद से प्यार नहीं करती, वो दूसरों को प्यार नहीं कर सकती. जो आत्मा अंदर खुश नहीं वो दूसरों को खुशी नहीं दे सकती जो a... आत्मा शांत नहीं वो शांति दे नहीं सकती

फाइनली कम बैक टू जब हमें thing. कहते हैं ना ईगो ईगो मीनिंग लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट अहंकार है तो स्वमान की कमी है तो आज तो हम में से मेजोरिटी में कितना अहंकार है तो जहाँ अहंकार है वहां सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है औरों की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे हाँ ये आप बोलो कि हेलो बोलो गुड मॉर्निंग बोलो खाना पूछो ये कर सकते हैं हम रिस्पेक्ट करना इतना इजी नहीं है सो आर एक्सपेक्टेशंस वी विल ऑन इट धीरे धीरे डिप्लीट जो हो रही है आत्मा की एनर्जी उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो रहा है लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है खत्म होती है सेल्फ एस्टीम फर्स्ट चीज़ है जो खत्म होती है आज क्यों सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए हम चीज़ें खरीद रहे हैं हम फ्लॉन्ट कर रहे हैं हम अपने कनेक्शंस को फ्लॉन्ट कर रहे हैं हम अपनी पोजेशंस को फ्लॉन्ट कर रहे हैं सिर्फ लोगों की रिस्पेक्ट ऐसे मांगने के लिए क्योंकि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं है इफ़ अफ सोल इज़ इन अ सीट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट उसको कुछ नहीं करना है लोगों से रिस्पेक्ट मांगने के लिए क्योंकि इट्स इंजॉइंग इट्स रिस्पेक्ट थैंक यू सो मच सिस्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरा दिमाग हल्का हो गया बिकॉज नाउ आज कुछ बात समझ में आई थैंक यू सो मच ओमशा ओमशा थैंक यू